हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर नेक्स्ट सेक्शन ऑफ यूनिट 5। व्हाट इज क्रेडिट, उधार क्या है। इससे पहले मैंने जो लेक्चर लिया था 5.1 का, उसमें हमने डिस्कस किया था कैश, नकदी, रोकड़ा। आज हम देखेंगे व्हाट इज क्रेडिट, उधार किसको हम कहते हैं। क्रेडिट मीन्स समवन इज विलिंग टू लोन यू मनी कॉल्ड प्रिंसिपल इन एक्सचेंज फॉर योर प्रॉमिस टू रिपे इट यूजुअली विद इंटरेस्ट। क्रेडिट का मतलब, उधार का मतलब है कोई आपको रुपए कुछ समय के लिए देता है जो कि प्रिंसिपल कहलाता है, मूल राशि कहलाती है, और उसके बदले में हम ये कहते हैं हम ये वापस कर देंगे, और आदतन हम वो ब्याज के साथ वापस करते हैं। इंटरेस्ट यानी ब्याज इज द अमाउंट यू पे टू यूज समवन एल्सेस मनी। ब्याज वह दर है जिस पे हमें पैसे के ऊपर, मूल के ऊपर वापसी करनी होती है, क्योंकि हम किसी अन्य व्यक्ति की मूल पूंजी का उपयोग कर रहे हैं। द हायर द इंटरेस्ट रेट द हायर द टोटल अमाउंट यू पे टू बाय समथिंग ऑन क्रेडिट। जितने ज़्यादा दर पर हम रुपया उधार लेंगे उतना ही अधिक हमें ब्याज वापस करना होगा। मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्रेडिट इज दैट इट लेट्स यू बाय समथिंग लाइक अ कार और कॉलेज ट्यूशन विदाउट हैविंग टू पे फॉर इट ऑल एट वन टाइम। जो मुख्य फायदा है उधार लेने का वह ये है कि हम कोई महंगी चीज़ एक साथ खरीद सकते हैं, जैसे कि कार या वाहन, या हम कोई कॉलेज की फीस दे सकते हैं जो हम एक बार में हम खुद उसका पेमेंट नहीं कर सकते थे। कॉमन टाइप्स ऑफ क्रेडिट, उधार के भी अनेक प्रकार होते हैं, इसको हम इस पीपीटी में डिस्कस करते हैं। क्रेडिट कार्ड आप सब जानते हैं, बैंक और कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आपको एक प्लास्टिक का कार्ड देते हैं जो स्मार्ट कार्ड होता है, उसकी कुछ लिमिट होती है और आप उसके एवज में रुपया ले सकते हैं, एटीएम से ले सकते हैं, किसी स्टोर से सामान खरीद सकते हैं उसके बदले, कहीं भी कैश की तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं, पर उसके ऊपर ब्याज होता है और अधिकांशतः समय यह रेट ऑफ इंटरेस्ट सादे बाजार ऑफ रेट से ज़्यादा होता है, इसकी दर ज़रा ऊंची होती है। इसके अंदर एक फ़ायदा यह होता है कि कई दिन तक ब्याज मुक्त पैसा भी हमें मिल सकता है। जैसे हमने रुपया खर्च किया पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भराया, अभी हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, बिलिंग स्टेटमेंट आएगा महीने की एक पर्टिकुलर तारीख को, तो उस तारीख तक हम पैसा दे देंगे तो ब्याज लगेगा नहीं। उस तारीख से आगे हम पैसा रखेंगे तो हमें उस पर ब्याज देना होगा, और अगर जो हम डिले करेंगे तो ब्याज पर भी ब्याज देना होगा। इंस्टॉलमेंट लोन यानी किश्तों में चीज़ लेना, किश्तों में ऋण, जैसे हमने मकान लिया उसकी इंस्टॉलमेंट क्या ईएमआई जाएगी, वाहन स्कूटर कार कुछ लिया उसकी ईएमआई जाएगी, हमने कोई स्टूडेंट लोन लिया उसकी भी ईएमआई या इक्विटेड मंथली लोन जाएगा। स्टूडेंट लोन जैसे छात्र लेते हैं, आजकल ये विशेषकर भारत में प्रचलित हो गया है क्योंकि कई कोर्सेस की फीस अधिक होती है। मॉर्टगेज, मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है ये मैं आपको ज़रा विस्तार से समझाता हूँ। मॉर्टगेज का मतलब है कोई चीज़ हम गिरवी रखें और उसकी कीमत के एवज में हमें लोन मिले, जैसे कि सोना है, आदिकाल से सोने को मॉर्टगेज के रूप में यूज़ किया जा रहा है। अब सोना बैंकों में रख सकते हैं, कई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हैं जैसे मुथूत फाइनेंस है, ऐड वगैरह आपने देखे होंगे, वहाँ आप रुपया अपना सोना रख दीजिए और सोने के एवज में उसके मूल्य को निकाल कर उसका कुछ प्रतिशत जो आरबीआई ने अलाउ कर रखा है वो आप लोन पर रख सकते हैं। आप अपना मकान या कोई अन्य चीज़ भी वस्तु गिरवी रख के लोन ले सकते हैं, और इस तरह से लोन लेना आदिकाल से भारत के अंदर चलता आ रहा है। जो लोन देने वाला है वो सुरक्षित है कि भाई उस पर कोई चीज़ रखी हुई है और आपको नकदी मिल गई जो आपकी कहीं यूज़ में आ सकती है। कॉस्ट ऑफ यूजिंग क्रेडिट, जो हम उधार लेते हैं उसकी हमें कुछ कीमत
चुकानी पड़ती है. यूजिंग क्रेडिट कम्स विद द प्राइस. द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द प्राइस इज इंटरेस्ट रेट, सो इट डेफिनेटली पेज टू शॉप अराउंड. जो मुख्य अंश जो हमें पैसा वापस करना होगा, जो कीमत देनी होगी, वह होता है उसके ऊपर लग रहा ब्याज. और ब्याज की दर हमें कंपेयर करनी चाहिए कि कहाँ हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है. जब विशेषकर हम क्रेडिट कार्ड या कहीं से और भी लोन लेते हैं, तो हमें ये बात का ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमारा शोषण तो नहीं हो रहा, कहीं हमें बहुत अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं देना है. की क्रेडिट फीचर टू कंपेयर अमंग क्रेडिट ऑफर्स इज एनुअल परसेंटेज रेट, विच टेल्स यू द कॉस्ट ऑफ लोन पर ईयर एज अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट बोरोड. तो ये APR कहलाता है. बैंकिंग टर्म्स में इसको काफ़ी यूज़ करते हैं. सालाना रूप पे कितना ब्याज कोई ले रहा है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड वाला हो, होम लोन वाला हो, या अन्य तरह का लोन, उससे हमें पता लगता है महंगा या सस्ता लोन. कई जगह एक वर्ड यूज होता है टीजर रेट. टीजर रेट का मतलब क्या होता है? बैंक और कई कंपनियां सस्ता दर दिखाकर लोगों को लालच देती हैं कि वो लोन लें. इसको बोलते हैं टीजर. जब हम ध्यान से देखते हैं तो और भी कुछ चीज़ें हमें देखने में आती हैं, जैसे एनुअल फीस. हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो हमें लग रहा है मुफ्त में है, पर उसकी भी कोई वार्षिक कंपनियां जो हैं, बैंक्स जो हैं, वो हमसे कुछ एक मुश्त रकम ले रही हैं. क्रेडिट लिमिट, जो अधिकतम सीमा हमारे क्रेडिट कार्ड की होती है, वो क्रेडिट लिमिट कहलाती है. फाइनेंस चार्ज रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल डॉलर कॉस्ट और रुपी कॉस्ट ऑफ यूजिंग क्रेडिट टू मेंटेन अ बैलेंस. फाइनेंस चार्ज क्या होता है? यह वह लागत की कीमत है रुपए में जो हमें एक बैलेंस के अंदर मेंटेन करने में लगती है. ओरिजिनेशन फीस इज अ चार्ज फॉर सेटिंग अप लोन. हमारे यहाँ एक तो प्रोसेसिंग फीस लगती है, कागज पत्र और बाकी जो खर्चे हैं बैंक को पूरित करने के लिए, और शुरुआत में ही वो फाइल चार्ज के रूप में आपसे कुछ पैसे ले लेते हैं. लोन टर्म होती है वह अवधि जिसके अंदर हमें वह राशि वापस जमा करानी होती है. कुछ लोन तो होते हैं टर्म लोन, कि भाई हमने 1,00,000 रुपया लिया, 3 साल बाद हमें 1,00,000 रुपया वापस कर देंगे, ये होता है टर्म लोन. और अवधि के ऋण दूसरे होते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिनमें मासिक किश्त जाती है. हमने मकान बनाया, 20 साल तक हम उसकी किश्तें देते रहेंगे, मूल और ब्याज इस किश्त के अंदर शामिल होता है. ग्रेस पीरियड, यह वह अवधि है कि हम रुपए इस तारीख तक देने थे, पर ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हमें छूट दी गई है कि हम कुछ और लंबी अवधि तक वह पैसा वापस कर सकें. जैसा कि आपने देखा होगा, अभी कोविड का पीरियड चल रहा है, कोरोना काल जिसको बोलते हैं, तो बैंकों ने पहले 3 महीने और फिर बढ़ाकर 6 महीने तक अवधि कर दी लोन्स को वापस करने की, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के आय के स्रोत जो थे वो कमज़ोर हो गए, वो लोन वापस करने की स्थिति में नहीं रहे, तो ग्रेस पीरियड ये उनको दे दिया गया. ओवर द लिमिट फी, आप क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा अधिक यूज़ करें कुछ समय के लिए, तो उसके लिए आपको कुछ देने होते हैं. लेट फी, पेनल्टी जो आपको देनी होती है आदि. तो ये क्रेडिट के ऊपर हमने कुछ जाना. और एक बात आपको और ध्यान रखनी चाहिए कि ब्याज दर जो है वो RBI निर्धारित करती है, उसी के आसपास सभी कमर्शियल बैंक्स और अन्य संस्थाएं आपसे ले सकती हैं. पहले हमारे देश में बहुत अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा लिया और दिया जाता था, पर अब जैसे जैसे वैश्वीकरण होता गया, हमारे यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते चले गए. अब FD में जमा के ऊपर लगभग 5-5.5% लोन मिलता है, ब्याज मिलता है, और आप लोन लेने जाएं तो 8% के आसपास से आपको हाउसिंग लोन और पर्सनल लोन उससे ऊपर रेट्स पर मिलते हैं. एक वर्ड और यूज़ आता है जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है कि किस व्यक्ति को लोन दिया जा सकता है.
तो इसमें व्यक्ति की आय देखी जाती है, उसने इनकम टैक्स रिटर्न ITR जो भरी हैं उसके अंदर क्या आय दर्शाई गई हैं, यदि वो बिज़नेस करता है तो भी उसकी इनकम टैक्स रिसीट और उसके बिज़नेस से संबंधित प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स वगैरह देखे जाते हैं, बैलेंस शीट्स देखी जाती हैं कि इस संस्था अथवा इस व्यक्ति के पास लोन देने के बाद उसको वापस करने की भी क्षमता है या नहीं। कई देशों के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, जैसे अमेरिका, कनाडा, जापान जो विकसित देश हैं वहाँ लगभग शून्य के आसपास दर पे आप पूंजी उधार ले सकते हैं, पर हमारे देश में अभी भी ये रेट्स लगभग 8-10% के आसपास कमर्शियल बैंक्स में हैं और प्राइवेट लेंडर्स व्यक्ति की ज़रूरत और आवश्यकता का फ़ायदा उठाते हुए और भी ऊंची दरों पे पैसा उधार देते हैं। तो ये था क्रेडिट। अब हम ये जाने के क्रेडिट की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हमें पूंजी की आवश्यकता है और हमारा ये विश्वास है कि हम इस पूंजी को इस तरह से लगा पाएंगे कि हम ब्याज देने के बाद भी फायदे में रहेंगे, हमें श्रम मिलेगा, हम अपना श्रम लगाएंगे और उससे हम अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकेंगे। तो दिस वॉज समथिंग अबाउट क्रेडिट। थैंक यू।